सर यहाँ पे जितने शिक्षकगण उपस्थित हैं ये सभी अपने पास सूत्रीय मांगों को लेकर उपस्थित हुए हैं। अभी 4 महीना पहले हम लोगों की जो नियुक्ति हुई थी अलग अलग माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 9वीं से लेकर 12वीं तक के अलग अलग विषयों के लिए हम लोगों को चयनित किया गया था और जो एजेंसी ने हम लोगों को सेलेक्ट किया था वो एजेंसी जो है इन लोगों के द्वारा नामित किया गया था जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा। अब वो एजेंसी हम लोगों का मनमाना तरीके से कुछ एक्सप्लॉयटेशन करने का प्रयास कर रहा है। इसी सब मांगों को लेकर के हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हम लोगों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को अपना ज्ञापन सौंपा है। हम देखते हैं कि ये कितनी जल्दी हम लोगों की समस्या का समाधान कर पाते हैं। वेतन नहीं मिलने की बात बताई जा रही है, कितने दिवस बताया? हम लोग 4 महीनों से हम लोग लगातार निष्ठापूर्वक काम करते आ रहे हैं। विगत 4 महीनों से हम लोग काम करते आ रहे हैं लेकिन हम लोगों के पेमेंट के नाम पे आज तक 1 रुपया कहीं भी कंपनी से या फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी स्तर से कहीं कोई नोटिस हम लोगों को नहीं मिला। हम लोग जब इस चीज़ से चुप हो गए तो हम लोगों को मतलब एक ये कहते हैं ना कि उसके बाद हम लोगों को यहाँ इकट्ठा होना पड़ा है और हम उम्मीद करते हैं कि हम सभी लोगों के मांगों को जल्द से जल्द जो है ये लोग पूरा करवाएँगे।